सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे कि विच कंडीशन, क्या बताएंगे, विच कंडीशन इज मस्ट फॉर डेल्टा इंटू वी इज इक्वल टू जीरो. ए स्टेडी, बी अनस्टेडी, सी यूनिफॉर्म एंड डी इनकंप्रेसिबल. क्वेश्चन पूरा डिस्कस करेंगे, डेल्टा क्या है, वी क्या है, आंसर क्या आएगा इनमें से चार, और बाकी के आंसर गलत क्यों है. तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से जनरेट होंगे, और इस क्वेश्चन को अगर आप पूरी तरीके से कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है अपने आंसर से, या फिर कोई भी कंफ्यूजन है, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है. गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट ओनली फ्रॉम गेट, एसएससी, जेई, ईएससी, एक्ससी, कोई भी एग्जामिनेशन ले लीजिए. मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फ्लूइड काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट ये है, और ये बहुत ही आपको काम आएगा काफी जगह पर. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि डेल्टा क्या है और वी क्या है. तो पहले मैं आपको डेल्टा बता दूं, काफी लोगों को पता होगा, दैट इज नथिंग बट डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड के. और वी क्या है, वी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज रेडी. सो डेल्टा वाई वी, डेल्टा इंटू वी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, और इसके इज इक्वल टू क्या लिखा है यहां पर, जीरो. तो यहां पर मैंने जीरो लिख दिया. अब मुझे ये कुछ कुछ तो याद दिला रहा है कि ये किसके लिए है, कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए है. चलिए अब कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में बात करते हैं. कंटिन्यूटी इक्वेशन दिमाग में आते ही मैं आंसर दे दूंगा डायरेक्टली स्टेडी फ्लो, मगर ये आंसर हो जाएगा गलत. क्यों गलत होगा, जानते हैं इसके बारे में डिटेल में. तो पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन समझना पड़ेगा. कंटिन्यूटी इक्वेशन को समझने के लिए मुझे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनानी पड़ेगी. तो मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूं यहां पर. ये मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना ली, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मुझे पॉइंट्स देने पड़ेंगे. एक सरफेस है जहां से फ्लूइड इन हो रहा है, और एक सरफेस है जहां से फ्लूइड आउट हो रहा है. तो कौन सी सरफेस से इन हो रहा है, कौन सी सरफेस से आउट हो रहा है, वो देखते हैं. इस सरफेस से फ्लूइड क्या हो रहा है, इन इन, और ये वाली सरफेस से फ्लूइड क्या हो रहा है, आउट. अगर मैं सरफेस को लिखूं यहां पर, तो ये ए बी सी और डी पॉइंट जहां पर है, उस सरफेस से क्या हो रहा है, मास फ्लो रेट इन हो रहा है, और ई एफ जी एंड एच यहां से मास फ्लो रेट आउट हो रहा है. मास फ्लो रेट यूनिट क्या होता है मास फ्लो रेट का, अगर मैं मास फ्लो रेट को रिप्रेजेंट करूं तो एम डॉट से किया जाता है. इसका यूनिट होता है के जी पर सेकेंड, केजी पर सेकंड. K
कितना केजी पर सेकंड मास फ्लो हो रहा है उसे कहते हैं मास फ्लो रेट। ओके, केजी पर सेकंड को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, केजी पर मीटर क्यूब इंटू मीटर क्यूब पर सेकंड, और ये मीटर क्यूब को भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, केजी पर मीटर क्यूब इंटू मीटर स्क्वेयर इंटू मीटर पर सेकंड। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास एक सरफेस है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जब भी हम लेंगे ना तो हमारे पास एक एरिया है। एरिया क्या है? अगर मैं इन की बात करूं, यहां से फ्लो इन हो रहा है, ये सरफेस से फ्लो इन हो रहा है, तो इन के लिए एरिया क्या है? ए इंटू बी, ए बी इंटू बी सी, ये एरिया हो गया। तो हमें एरिया के टर्म्स में आंसर चाहिए, फ्लो है इसीलिए हमें डेंसिटी के टर्म्स में आंसर चाहिए, और हमें क्वेश्चन में मांगा गया है वेलोसिटी, तो हमें वेलोसिटी बी चाहिए यहां पर, इसीलिए इक्वेशन क्या हुआ, मास फ्लो रेट का इक्वेशन होगा रो इंटू ए इंटू वी। बट हम पर्टिकुलरली किस डायरेक्शन के अंदर फ्लो की बात कर रहे हैं? हम फ्लो की बात कर रहे हैं इन एक्स डायरेक्शन, ये डीएक्स है, ए बी जो लेंथ है वो डीवाई है, ए बी अगर यहां से आप देख रहे हैं तो वो डीवाई है, सॉरी ए बी डी जेड है, और बी सी डीवाई है, वर्टिकल डीवाई है, बी सी वर्टिकल है इसलिए ये डीवाई है, ए बी डी जेड है, और हॉरिजॉन्टल जो भी डिस्टेंस है ए इंटू ई ए ई ए डिस्टेंस वो डीएक्स है। अब हम मास फ्लो रेट इनलेट साइड पे देखते हैं, मास फ्लो रेट एट इनलेट वो कितना होगा, डेंसिटी इंटू एरिया, एरिया क्या है यहां पर, dy इंटू डी जेड इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन दैट इज u। यहां पर भी आप देख सकते हैं u v और w क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, वेलोसिटी इन z डायरेक्शन। तो m इन मिल गया, अब मास फ्लो रेट आउट वो देखते हैं, आउट मास फ्लो रेट क्या होगा, रो इंटू डी वाई इंटू डी जेड इंटू यू प्लस डी यू, परफेक्ट, क्योंकि वेलोसिटी में डिफरेंस ही नहीं है तो फिर फ्लो पॉसिबल है ही नहीं, तो यहां पर जो आउटसाइड में जो भी वेलोसिटी होगी उसमें डिफरेंस होना जरूरी है, डिफरेंस होगा तभी फ्लो हो पाएगा, तभी फ्लो हो पाएगा, और यहां पर जो भी डिफरेंस होगा वो नेगेटिव आएगा, कैसे मैं बताता हूं, देखिए अब मुझे मास फ्लो रेट इन एक्स डायरेक्शन चाहिए, तो मैं ये लिख सकता हूं कि मास फ्लो रेट इन इनसाइड माइनस मास फ्लो रेट आउटसाइड, तो हमें मिलेगा क्या, यहां से हमें मिलेगा दिस इज माइनस दिस वन, सो यू विल गेट रो इंटू डीवाई इंटू डीजेड इंटू यू, तो कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी का बचेगा क्या, माइनस रो इंटू डी वाई इंटू डी जेड इंटू डी यू, ये बचा। अब थोड़ी सी बात करते हैं डी यू के बारे में, यू क्या होता है, वैसे तो जनरली यू है वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, यू डिपेंड करेगा एक्स पे और टी पे, एक्स क्या है डिस्टेंस और टी क्या है टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, सो वी कैन से दैट यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, तो डी यू की वैल्यू क्या आएगी, सो डी यू इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई, सॉरी डेल टी, बिकॉज इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, सो हियर इट इज टी इंटू डी टी। अब यहां पर हम एज्यूम करते हैं, एज्यूमिंग स्टेडी फ्लो, एज्यूमिंग स्टेडी फ्लो, अगर स्टेडी फ्लो एज्यूम करेंगे तो डेल यू बाय डेल टी वो हो जाएगा जीरो, एनी प्रॉपर्टी विच इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, At that time the flow is called steady flow. तो time के साथ अगर velocity change नहीं होगी उसी को हम steady flow कहेंगे और उसी की वजह से del u by del t zero हो जाएगा, तो du क्या बनेगा, du will be del u
बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स। ये डेल यू की डी यू की वैल्यू हम यहां पर पुट अप करते हैं तो हमें अल्टीमेटली मास फ्लो रेट इन एक्स डायरेक्शन क्या मिला, हमें मास फ्लो रेट इन एक्स डायरेक्शन मिला माइनस रो इंटू डी वाई इंटू डी जेड इंटू डेल यू बाय डेल एक्स। इसे मैं इक्वेशन नंबर वन कह देता हूं। अब हम सिमिलर मैनर में मास फ्लो रेट इन वाई डायरेक्शन क्या मिलेगा और मास फ्लो रेट इन जेड डायरेक्शन क्या मिलेगा उसके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने थोड़ी सी जगह बना ली यहां पर और अब देखते हैं हम कि मास फ्लो रेट इन वाई डायरेक्शन क्या होगा और मास फ्लो रेट इन जेड डायरेक्शन क्या होगा। मैं यहां पर लिखता हूं मास फ्लो रेट इन वाई डायरेक्शन तो वही माइनस, अगर मैं ये डेल यू बाय डेल एक्स को आगे ले लूं तो यहां पर वेलोसिटी कौन सी होगी, डेल वी बाय डेल वाई इंटू रो डेल यू बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स होगा। तो मैंने यहां पर डी एक्स लिखना भूल गया हूं, मैं लिख देता हूं वापस, यहां पर और एक आएगा डी एक्स, परफेक्ट। तो यहां पर आपको वापस क्या मिलेगा, डेल यू बाय डेल वाई रो इंटू वापस डी एक्स डी वाई और डी जेड। अब आप बोलोगे कि सर एरिया तो यहां पर y नहीं आएगा और डी एक्स और डी जेड आएगा, हमारा डी वाई कहां से आया, तो डेल वी बाय डेल वाई इंटू डी वाई आएगा, जैसे कि यहां पर डेल यू बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स आया है, इसी वजह से डी एक्स डी वाई एंड डी जेड तीनों मिले हैं। तो मास फ्लो रेट इन जेड डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम माइनस डेल डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू वेलोसिटी है इन जेड डायरेक्शन, डिवाइडेड बाय डेल जेड रो इंटू dx, dy and dz, और मास फ्लो रेट इन x डायरेक्शन भी इसी टर्म्स में लिख देता हूं, इसी सीक्वेंस में, तो डेल यू बाय डेल एक्स रो इंटू डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। क्लियर, आगे बढ़ते हैं यहां पर और बात करते हैं टोटल मास फ्लो रेट की। सो m टोटल मास फ्लो रेट, टोटल यानी कि वॉल्यूम में कितना है मास फ्लो रेट एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन को मिला के। तो मैं टोटल मास फ्लो रेट के लिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैं केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी को अगर मैं डायरेक्टली मीटर क्यूब पर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मीटर क्यूब क्या रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम। अगर इस तरीके से रिप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, ये टोटल मास फ्लो रेट वॉल्यूम में। तो मैं इसको इसी तरीके से लिखता हूं, केजी पर मीटर क्यूब चेंज इन डेंसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इनटू मीटर क्यूब मींस वॉल्यूम। तो एम टोटल क्या मिलेगा, एम टोटल आपको मिलेगा चेंज इन डेंसिटी डेल रो बाय डेल टी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। अब एम टोटल यानी दूसरा इक्वेशन क्या होगा, एम टोटल इज इक्वल टू एम डॉट एक्स प्लस एम डॉट वाई प्लस एम डॉट जेड। इक्वेट करते हैं दोनों साइड पे, सो डेल रो बाय डेल टी इंटू dx, dy and dz is equal to del u by del x plus del v by del y plus del w by del z into minus dx, dy and dz। तो dx, dy, dz यहां से कैंसल आउट हो गए, ये तीनों और ये तीनों भी कैंसल आउट हो गए, और वैसे भी हमें पता है कि मैंने स्टेडी फ्लो एज्यूम किया है तो ये वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस, यहां पर एक माइनस सिंबल है इसलिए, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इंटू, ये सभी के बीच में हमने एक केस तो लेना भूल ही गया, ये तीनों में रो है, रो
तो रो तो हमने यहां पर मल्टीप्लाई किया नहीं, तो यहां पर रो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पर रो मल्टीप्लाई होगा, रो इज इक्वल टू जीरो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो, सो हम लिखते हैं यहां पर डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल बी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। अगर आपने इसी तरीके से अभी तक किया है डेरिवेशन तो कहीं पर थोड़ी सी चूक है, क्या चूक है मैं बताता हूं आपको, क्या चूक है चलिए डिस्कस करते हैं। यहां पर हमने रो को कॉमन निकाल लिया बाहर, जो ये रो यहां पर भी था इसे मैं रो एक्स, ये रो वाई कह सकता हूं, इसे मैं रो जेड कह सकता हूं और ये इसे मैं रो एक्स कह सकता हूं। तीनों डायरेक्शन में रो की वैल्यू हमने इक्वल कर ली कंसिडर, यानी रो एक्स इज इक्वल टू रो वाई इज इक्वल टू रो जेड, इसीलिए इज इक्वल टू रो हमने बाहर निकाला यहां पर, यहां पर। तो यहां पर हमने एज्यूम क्या किया, दूसरा हमारा एजम्पशन था इनकंप्रेसिबल फ्लो, तब जाके 3D फ्लो के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये 3D फ्लो के लिए, 3D फ्लो के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन है। तो यहां पर तो मैंने दो चीज बोली कि भाई स्टेडी भी है फ्लो और इनकंप्रेसिबल भी है फ्लो, और ऐसा तो ऑप्शन दिया नहीं गया है, ए बी सी डी में ऐसा तो ऑप्शन दिया नहीं गया है कि स्टेडी भी हो और इनकंप्रेसिबल हो, तो क्या करेंगे हम। ओके, तो मैं आपको एक जनरलाइज इक्वेशन बताता हूं, अगर हमने स्टेडी फ्लो एज्यूम नहीं किया होता है, इफ वी आर नॉट एज्यूमिंग स्टेडी फ्लो, अब ध्यान रखिएगा यहां से पूरी जो सिक्वेंस चलने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूं। If not assume steady and incompressible, तो इक्वेशन क्या होता, यहां से ही मैं इक्वेशन बनाऊंगा, आप देखिए, तो इक्वेशन क्या होता, तो इक्वेशन होता डेल रो बाय डेल टी इंटू डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। ओके, क्योंकि ये स्टेडी नहीं है, ये अनस्टेडी है, तो डेल रो बाय डेल टी एग्जिस्ट करेगा, इज इक्वल टू, हमें यहां पर क्या लिखना होगा, माइनस डेल बाय डेल एक्स इंटू रो इंटू यू, क्योंकि ये इनकंप्रेसिबल है तो तीनों डायरेक्शन में डेंसिटी भी एग्जिस्ट करेगी, डेंसिटी ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, प्लस डेल बाय डेल वाई रो इंटू वी प्लस डेल बाय डेल जेड रो इंटू डब्ल्यू, और ब्रैकेट क्लोज करके वापस डीएक्स डीवाई एंड डीजेड। तो ये dx, dy एंड dz तो चले जाएंगे, बट फाइनल इक्वेशन हमारे पास रहेगा, दैट इज डेल रो बाय डेल टी प्लस, अगर मैं ये तीनों को माइनस है तो मैं प्लस करके लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूं, तो दैट विल बी डेल बाय डेल एक्स रो इनटू यू प्लस डेल बाय डेल वाई रो इनटू वी प्लस डेल बाय डेल डब्ल्यू रो इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज नथिंग बट जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। ओके, चलो बात तो सही है, जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन भी हो गया, मगर इसका यूज क्या,
हम ये क्यों फाइंड आउट करते हैं जनरलाइज कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसका मायना क्या, इसका इसमें से किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं और इस क्वेश्चन से इसका लेना देना क्या है, चलो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एक बार फिर से मैंने डिजिटल बोर्ड को क्लीन कर दिया है जैसे हम ब्लैक बोर्ड को क्लीन करते हैं वैसे ही, और वापस मैं आता हूं अपने क्वेश्चन पे कि क्यों स्टेडी फ्लो नहीं है और क्यों इनकम्प्रेसिबल नहीं है। चलो अनस्टेडी या इसके बारे में भी क्या होगा उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। चलिए, हमें जनरलाइज इक्वेशन मिल गया, कंटिन्यूटी इक्वेशन मिल गया, ये रहा जनरलाइज कंटिन्यूटी इक्वेशन। हम जनरलाइज कंटिन्यूटी इक्वेशन को डिराइव करते हैं, अगर ये पार्शियल डेरिवेशन है ना यू इंटू वी वाला, तो इसको भी डिराइव करते हैं, देखते हैं तो क्या होता है। सो डिराइव करने के लिए चलो मैं व्हाइट कलर की पेन यूज करता हूं और यहां पर मैंने वापस लिख लिया ये इक्वेशन, जनरलाइज कंटिन्यूटी इक्वेशन, डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल बाय डेल एक्स रो यू प्लस डेल बाय डेल वाई रो वी प्लस डेल बाय डेल जेड रो डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। डिराइव करते हैं इसको, ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यू इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या होगा, डेल रो बाय डेल टी प्लस, पहले हम रो को एज इट इज कर रखते हैं और यू के साथ करते हैं, सो रो एज इट इज डेल यू बाय डेल एक्स प्लस यू एज इट इज डेल रो बाय डेल एक्स, सेम सभी के केस में v के साथ भी, रो एज इट इज डेल v बाय डेल y, v एज इट इज डेल रो बाय डेल y, फिर से हम ऐड करते हैं प्लस रो एज इट इज डेल w बाय डेल z प्लस w एज इट इज डेल रो बाय डेल z इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर कंटिन्यूटी इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो भी इक्वेशन है इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिखते हैं कि डेल रो बाय डेल टी और रो वाले टर्म सारे इसके साथ ऐड कर देते हैं प्लस यू डेल रो बाय डेल एक्स प्लस वी डेल रो बाय डेल वाई और प्लस डब्ल्यू डेल रो बाय डेल जेड। ये एक मैंने एक साथ लिख दिया और इसके साथ में प्लस क्या बचा, बची चीजें रो डेल यू बाय डेल एक्स प्लस रो डेल यू बाय डेल वाई प्लस रो डेल यू बाय डेल जेड नॉट इज डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। अब ऊपर वाले इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लोकल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है और ये कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है, कन्वेक्टिव डेरिवेटिव और लोकल डेरिवेटिव एज पर यूलर्स इक्वेशन, एज पर यूलर्स इक्वेशन, एज पर यूलर्स इक्वेशन हम एक्सेलरेशन को किस तरीके से लिखते हैं, एक्सेलरेशन अगर हमें चाहिए टोटल एक्सेलरेशन इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन एक्स, तो उसके लिए इक्वेशन था डेल यू बाय डेल टी प्लस यू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वी डेल यू बाय डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू बाय डेल जेड। और यहां पर u की जगह पर अगर आप रो रख दीजिए तो ये हमें टोटल डेरिवेटिव मिलेगा। अगर मैं ax को ऐसे भी लिख सकता हूं ना, ax इज इक्वल टू नथिंग बट du बाय dt, तो यहां पर मुझे क्या मिला, अगर मैं ये टर्म को देखूं, ये इतने टर्म को देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है d rho बाय dt। तो इसे ही मैं लिख रहा हूं, अभी ऊपर वाले टर्म को ही मैं लिख रहा हूं, दैट इज जो मैंने राउंड किया उस टर्म को मैं लिख रहा हूं डी रो बाय डी टी, पार्शियल में से कंप्लीट डेरिवेशन में प्लस यू सॉरी प्लस रो डेल यू बाय डेल एक्स
प्लस रो डेल वी बाय डेल वाई प्लस रो डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। अब समझिएगा, अगर अगर मैं कहूं कि फ्लो स्टेडी है, अगर मैं कहूं कि फ्लो स्टेडी है, अनस्टेडी होगा तो ये कंपोनेंट रहेगा, अनस्टेडी होगा तो ये कंपोनेंट रहेगा, और अगर ये कंपोनेंट रहा, अगर ये कंपोनेंट रहा डेल रो बाय डेल टी रहा, तो फिर डेल्टा बाय वी आंसर जीरो नहीं होगा। ये समझिएगा, अब मैं कहूं कि फ्लो यूनिफॉर्म है या स्टेडी है, इसके बारे में बात करते हैं। आपको ये इक्वेशन समझ के चलना होगा, ये इक्वेशन मैं फिर से लिख देता हूं। ये आपके पास अल्टीमेट इक्वेशन आ गया, अल्टीमेट इक्वेशन आ गया, मगर आपको ये इक्वेशन से सारे आंसर्स पता चलेंगे। ये इक्वेशन बाद में मैं यहां पर लिख रहा हूं, वापस लिख रहा हूं, डेल रो बाय डेल टी प्लस यू डेल रो बाय डेल एक्स प्लस वी डेल रो बाय डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल रो बाय डेल जेड प्लस रो डेल यू बाय डेल एक्स प्लस रो डेल यू बाय डेल वाई प्लस रो डेल यू बाय डेल जेड सॉरी डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए, अगर फ्लो स्टेडी होगा, इफ फ्लो इज स्टेडी, तो सिर्फ ये कंपोनेंट जीरो होगा डेल रो बाय डेल टी। ये समझिएगा, अगर फ्लो स्टेडी हुआ तो सिर्फ ये कंपोनेंट जीरो होगा, तो हमें दिस प्लस दिस जीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे टर्म्स भी एग्जिस्ट करेंगे बीच में। तो ये आंसर हो गया गलत, कि स्टेडी फ्लो इज द रॉन्ग आंसर, क्रॉस लगा दो। ओके, अनस्टेडी के बारे में बात करेंगे तो अनस्टेडी में तो ये भी एग्जिस्ट करेगा डेल रो बाय डेल टी, तो भी हमें नहीं मिलेगा डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड। हमें चाहिए क्या, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू जीरो चाहिए। तो ये हमें अनस्टेडी में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अनस्टेडी में डेल रो बाय डेल टी एग्जिस्ट करेगा। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म है तो डेल रो बाय डेल एक्स डेल रो बाय डेल वाई डेल रो बाय डेल जेड शायद एक्स के टर्म्स में जीरो हो सकते हैं, सेम डेल यू बाय डेल एक्स डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड भी जीरो हो जाएंगे। तो सारे टर्म्स जीरो होते हैं, तो यहां पर तो डेल रो बाय डेल टी अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, डेल रो बाय डेल टी लोकल एक्सेलरेशन अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसी वजह से यूनिफॉर्म बी आंसर गलत है। तो इनकंप्रेसिबल आंसर सही है, कैसे देखिएगा, अगर इनकंप्रेसिबल हम जानते हैं कि इनकंप्रेसिबल क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा हम जानते हैं, बट डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम, ये सही आंसर है। तो डेंसिटी ना ही सिर्फ स्पेस में कॉन्स्टेंट है, डेल रो बाय डेल एक्स जीरो होगा, डेल रो बाय डेल वाई जीरो होगा, डेल रो बाय डेल जेड जीरो होगा, क्योंकि स्पेस में कॉन्स्टेंट है, बट ऑल्सो वो टाइम के रिस्पेक्ट में भी कॉन्स्टेंट है, तो डेल रो बाय डेल टी भी जीरो होगा, और डेंसिटी कॉन्स्टेंट है, इसीलिए सभी में से हम डेंसिटी कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, और हमें फाइनल आंसर मिलता है डेल यू बाय डेल एक्स डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। सो द आंसर फॉर दिस कंडीशन इज आंसर नंबर डी। आई होप कि आपके दिमाग में बहुत सारे आंसर्स क्लियर हुए होंगे। अभी मैं थोड़ी देर एक वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि और भी क्या क्या क्वेश्चंस जो हमने ये थियरी पढ़े हैं उसमें से हो सकते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।